हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एयर कूलर वाटर पंप कैसे रिपेयर करता है यह देखेंगे। ये हमारे पास एक समर्सिबल पंप है जो एयर कूलर में यूज होता है। इसको रिपेयर करने के लिए फ्रेंड्स, पहले इसको हम ये खोल लेते हैं और इस पंप को अभी ऑन करके देखेंगे। ये वायर है, इसको कनेक्ट कर लेंगे। इसमें वायर हमने कनेक्ट किया है, देखिए इसका जो इंपेलर है ये वाइब्रेट कर रहा है, चल नहीं रहा। ये देखिए हल्की हल्की आवाज भी कर रहा है ये। तो ये ऐसा क्यों करता है, इसको हमको क्या करना है, जो ये जो ऊपर कैप लगी है इसको खोल लेना है। ये हमने खोल लिया, ये इंपेलर है और इंपेलर इसका रोटर के साथ ही अटैच होता है। और ये जो ऊपर की कैप है ये शाफ्ट की, ये हटा लेनी है, दोनों साइड लगी रहती है और ये बाहर निकाल लेंगे हम। ये देखिए शाफ्ट निकला है इसकी और ये रोटर के साथ इंपेलर भी निकला है। ये इसका रोटर है, ये रोटर क्या है, ये मैग्नेटिंग है, ये पूरी मैग्नेट है एक प्रकार की। ये देखिए इस पे टेस्टर चिपक जाता है। और इसमें क्या होता है, जब हम इसमें पावर देते हैं, ये क्वाइल रहती है उसमें मैग्नेटिंग फील्ड बनता है और उससे घूमना स्टार्ट हो जाता है, ये घूमता है। तो इसमें खराब क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो खराब होती हो। ये मैग्नेट है और ये इसका इंपेलर है, ये थोड़ा फ्री रहता है एक राउंड टॉर्क के लिए। इसमें जो खराब होता है वो ये शाफ्ट होती है, ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरी चल चल के घिस गई है, ये पूरी शाफ्ट घिस गई है। इधर का थिकनेस देखेंगे तो ज्यादा है, ये बीच में कम हो गया। और जैसे ही हम इसको, ये जो लगी रहती है ये इसमें, जब हम इसमें पावर कनेक्ट करते हैं, पावर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये प्रॉपर जो सेंटर में होना चाहिए शाफ्ट के, तो ये शाफ्ट तो घिसने के बाद ये जो रोटर है एक साइड खींचता है उसको, जब मैग्नेट बनेगी तो एक साइड खींच लेता है। उससे क्या होता है, ये अंदर में रोटर चिपक जाता है और उससे ये जो पंप है ये पानी नहीं उठाता है, घूमता ही नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसकी ये शाफ्ट चेंज कर देनी है। ये देखिए इसकी कैप है, ये रख लेते, ये शाफ्ट चेंज कर दिए। ये शाफ्ट कहाँ मिलेगी, ये हमको एक एसएस की रोड ले लेनी है, जो वेल्डिंग रोड, ये हमारे पास है वेल्डिंग रोड है ये। ये देखिए ये एसएस की ले लेनी है, अगर एमएस की लोगे तो ये मैग्नेट है ये अंदर चिपक जाएगी फिर भी नहीं चलेगा। और ये एसएस की रोड ले लेंगे और इसको सेम इसके साइज की, सेम इसी जो ये शाफ्ट थी उसके साइज की इसको कट कर लेना है। और ध्यान रहे ये जो हम वेल्डिंग रोड लेंगे इसका थिकनेस 3 mm रहेगा, 3 mm है इसका। और ये बैंड नहीं हो, बिल्कुल भी बैंड नहीं हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो सीधी। उसके बाद हमको क्या करना है, ये इंपेलर के अंदर डाल के इसको देखना है कि फ्री है क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, और दोनों कैप लगा देनी है। ये दोनों कैप लगा देनी और इसको दोबारा असेंबल कर देना है। ये जो हमने पुराने वाली शाफ्ट निकाली थी, ये देखिए हमने एक एसएस की वेल्डिंग रोड से कट करके, 3 mm की जो वेल्डिंग रोड है एसएस रोड, उसको इसकी शाफ्ट बना के डाल दिया है। और फिर इसको अभी फिटिंग कर लेते हैं।
कैप थोड़ा, ये देखिए। अब हम इसको पावर में कनेक्ट करते हैं और ये प्रॉपरली काम करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें खराब होने वाला बस वही है, एक शाफ्ट है, वो चलते चलते पंप घिस जाती है। जब ये पंप चलता है तो रोटर घूमता है इसका, और शाफ्ट एक जगह रहती है, शाफ्ट घूमती नहीं है। देखिए जिसकी कैप है उसको एक जगह रखेगी और वो क्या होता है, रोटर चारों तरफ घूम के शाफ्ट को घिसा देता है, घिस जाती है। उस पर्पज में क्या होता है कि एक साइड चिपक जाती है और उस करके पंप काम नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसको हमको क्या करना है, इसकी जो शाफ्ट है यही चेंज कर देनी है, अगर इसमें कचरा नहीं है तो। अगर कचरा है तो कचरा साफ करके एक बार इसको ऑन करके देखिए कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर भी नहीं चल रहा तो इसकी ये शाफ्ट चेंज कर दीजिए, पंप चालू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।